नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। औरंगाबाद जिले के किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में बीसीए के छात्रों ने हंगामा करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा कुमारी को उनके ही चैम्बर में बंधक बना दिया और गेट के सामने हंगामा करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही है। छात्रा पुष्पम ने बताया कि बीसीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट 6 महीने पहले ही आ गया है, लेकिन अब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी इस पर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने गाली गलौज करके हम लोगों को भगाने का काम किया है। इसे लेकर पिछले महीने भी हंगामा किया गया था, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया है। प्रिंसिपल रेखा कुमारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बोलती है कि यूनिवर्सिटी जाओ। इस मामले में प्रिंसिपल ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी आज तक बीसीए का नहीं दिया, साइकोलॉजी का भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन छात्राएं साइकोलॉजी का आज तक बेचारी कहीं कुछ नहीं करने गई, हंगामा करने गई, लेकिन बीसीए की लड़कियां कहीं से गाइडेड है, इसलिए वो हंगामा कर रही है। समझ गए कि मेरा मार्क्स नहीं आया, मार्क्स देना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी जिस दिन कर देगी कि मार्क्स बनकर तैयार है, मेरा आदमी चला जाएगा, ले आएगा, किलोमीटर विक्रम हो जाएगा। आज उन लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया? ये लोग बैंक में कई बार वहाँ लिख के भेजे, कई बार फोन से कम से कम 100 बार बात किए, आदमी भेजे, हम खुद गए, तो अब आएगा वहाँ से बनके तो ही तो हम देंगे, कहाँ से हम दे देंगे। मेरी तरफ से लगातार प्रयास जारी है। वहीं एमयू सीनेट मेंबर दीपक कुमार ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक से बात हुई है, जवाब में 2 दिनों का समय मांगा गया है। अगर 2 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो मजबूरन छात्रों के साथ धरना देना पड़ेगा। इसकी जानकारी जैसे ही नगर थाना पुलिस को दी गई, पुलिस कॉलेज पहुंच छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं छात्र संघ अध्यक्ष आशिका सिंह ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य की हमेशा से लापरवाही रही है। रिजल्ट में देरी होने के बावजूद सिर्फ आश्वासन दिया जाना सही नहीं है। अगर इस बार भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो उग्र होकर छात्र आंदोलन करेंगे। तालाबंदी किए थे रिजल्ट के लेकर, इसके क्या करेंगे? आज यहाँ किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में बीसीए की छात्राएं काफी संख्या में यहाँ तालाबंदी करके और विरोध किया है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ जो यह विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो गई है और कई हजारों हजार छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में ले जाने का, चौपट करने का काम विश्वविद्यालय कर रहा है। यह जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ छात्राएं उग्र हैं, आक्रोशित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय की दयनीय स्थिति के कारण। विश्वविद्यालय कई वर्षों से छात्रों के रिजल्ट को पेंडिंग रखा है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। महाविद्यालय में छात्राएं डेली आ रही हैं और आवाज उठा रही हैं, प्रयास कर रही हैं, प्रिंसिपल से बात कर रही हैं, प्रिंसिपल भी यहाँ से कई बार आवेदन भेज चुकी हैं। यह कई कॉलेज में, यह इसी कॉलेज की नहीं बल्कि सारे कॉलेज की यही स्थिति है। कई छात्र कॉलेज में जा रहे हैं और छात्र कॉलेज के हैं तो कॉलेज में ही जाएंगे, विश्वविद्यालय उतना दूर जाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं छात्राएं, इसलिए कॉलेज आकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रही हैं। और यहाँ से भी हम लोग कई बार विश्वविद्यालय गए हैं, वहाँ आवाज उठाए हैं, कई बार आवेदन दिया है, लेकिन आश्वासन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलता है। आवेदन जाता है, आवेदन को रख दिया जाता है और उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।